अस्सलामु अलैकुम। इस दुआ के साथ के आप सब बखैरियत हों, अल्लाह की ख़ास रहमतें, बरकतें और अनायतें आप सब पर मेहरबान हों। मेरी दिली दुआएं और निक तमन्नाएं आप सब सुनने वालों के साथ हैं। कपड़े वगैरह जो लाए हैं वो अभी निकाल के रखे हैं हम, जो चाहिए बस वही निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर अलमारियाँ हैं लेकिन वो इतनी बड़ी नहीं है, तो हमने सोचा हम जितने चाहिए वही हम कपड़े निकाल के रख रहे हैं। जो हमारा ये टॉयलेटरी स्टफ है वो सारा यहाँ पर रख गया है। ये अभी हम शॉपिंग करके लाए हैं, क्योंकि किचन हमने इतना यूज़ नहीं करना। दो कमरे हैं इसमें, ये बाथरूम है और एक ये कमरा है, इसमें सिंगल दो बेड हैं। ठीक है, क्योंकि हमने इतने ज़्यादा रिव्यू पढ़े थे booking.com से, कमरे जो होटल हैं या अपार्टमेंट जो बुक करते हैं उसके रिव्यू बड़े ख़राब थे। इवन कैसर के दोस्त आए थे तो उन्होंने भी कहा कि उन्हें अपना जो है होटल वो चेंज करना पड़ा था, कि वो इतना गंदा था, इतनी स्मेल आ रही थी। तो हमें ये था कि हमें ना ये स्यापारा पड़े, वरना हमारा सारा ट्रिप जो है वो ना बेड़ा गर्क हो जाना है। बाथरूम है छोटा सा यहाँ पे। ये दो चीज़ें हमारी इस बैग में थी और ये सिक्योरिटी से गुजर के आ गई हैं। हमें भी नहीं पता था कि ये हमने रखी हुई हैं, कोई बीप नहीं हुई और ना ही इनकी डबल चेकिंग हुई है, ना ही उन्होंने कहा इसको फेंक दो। अगर कहते तो हमने फेंक ही देना था। और एक ये रूम है, बड़ी छोटी सी सिंगल सी अलमारी है। यहाँ पर ये कपड़े हमने टांग दिए जो हमने कल पहने, ताकि इनकी सिलवटें जो हैं वो थोड़ी सही सी हो जाएं। इसलिए ना भी करेंगे तो खैर है, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है ना यहाँ पर बाहर। ये देखें ज़रा, ये देखें इट्टा वाला कार कसम। तो ये हूँ मैं, आज मैंने ये कपड़े पहने हैं। बच्चे जो हैं वो नीचे उतर गए हैं, क्योंकि लिफ्ट जो है उसमें से जाना है। ये बाहर का छोटा सा कॉरिडोर है और ये लिफ्ट है। ये यहाँ पर जो होटल है उसकी रिसेप्शन है। पहले हमने बस में जाना था, लेकिन ये जो होटल वाले से ये कह रहे हैं कि ये टैक्सी मंगवा देंगे, तो जो उसके चार्जेस 10 o'clock से। तो अच्छा, मैं उनसे अपनी बात करने लग गई। अच्छा, मैं अभी बात मुकम्मल कर लूँ। अभी हम ब्लू मोस्ट जाने लगे हैं। हमने पहले बस में जाना था, बस की सारी हमें इंफॉर्मेशन ली थी, लेकिन ये जो होटल है इन्होंने हमें प्राइस किया कि आप टैक्सी में भी जा सकते हैं, तो उसकी प्राइस इतनी ज़्यादा नहीं थी। तो हमने कहा हम जरूर, गर्मी इतनी ज़्यादा है तो हम बस में ऐसे खपते रहेंगे, ज़ाहिर है बच्चों के साथ जाना है तो बस तक तो पहुंचना ही है। तो जब टैक्सी का जो फेयर है वो बहुत ही रीज़नेबल है, तो ये खुद बुक करवा कर देंगे, तो टैक्सी आ गई, हम जाने लगे हैं। जाने से पहले भले आपने जितनी मर्ज़ी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की हो, लेकिन नई जगह जाएं और ख़ास तौर पर ऐसा वेदर हो जहां आप रह रहे हैं उसके ऑपोजिट हो, तो थोड़ा सा सेट होने में टाइम लगता है। तो फिर हमने एक दो दिन जो है इस तरह टैक्सी में ही सफ़र करते रहे। और वो सामने ब्लू मोस्ट, या मैं यहाँ शेडो में खड़ी हो जाऊँ, गर्मी जिन्ना झूठ बोलो उन्नी है, कि इतनी गर्मी है। और हम UK में सन ब्लॉक लगा लगा के फिरते हैं, इतने तो इंज लगता जितना सन ब्लॉक ने बोतल उत्ते डोलियाँ पैनी अपनी। हमें मीनार तो नज़र आ रहे हैं ब्लू मॉस के, और हम चल पड़े हैं। और यहाँ पर इतना रश है, इतनी गर्मी में टूरिस्ट का इतना ज़्यादा रश है ना यहाँ पर, जो लोगों ने यहाँ पर पैसे खर्च किए वो उसका सारा बेनिफिट लेना चाहते हैं।
अभी देखिए ये 300 टर्किश लीरा का है, जबकि ये 7 पाउंड बनते हैं। तो 7 पाउंड के हिसाब से ये जो क्वालिटी है ना इसकी, ये एक्सपेंसिव है। 7 पाउंड का इतना सा स्कार्फ महंगा। फजर उठे रख सारी एक पास। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। जब हम ब्लू मस्जिद पहुंचे तो उस वक़्त ये बंद थी नमाज़ के लिए, तो थोड़ी देर हमें वेट करना पड़ा, और जब नमाज़ का टाइम ख़त्म हुआ तो ही हम अंदर आ सकते थे। और आपने देखा वहाँ पर टूरिस्ट जो हैं उसकी लाइन लगी हुई थी, और जो नॉन मुस्लिम थे उनको वहाँ पर स्कार्फ, और अगर किसी लेडीज़ की लेग जो हैं वो नंगी है तो उसको स्कर्ट भी देते थे पहनने के लिए। जितनी भी ऑन है वो बड़ी प्यारी सी लग रही है। ये जो ऊपर से इसका कनेक्शन आ रहा है लाइटिंग का, ये बड़ा ही खूबसूरत सा, बहुत ही खूबसूरत हमने तामीर। तो यही बस मस्जिद का हॉल है जो देखने वाला है, वो देख लिया है हमने, और अभी हम बाहर जा रहे हैं। बच्चे पहले थोड़ा सा चक्कर लगा के बैठ गए क्योंकि हमने थोड़ी सा फिल्म बनानी थी, तो बच्चे जो हैं वो बैठ गए, ये यहाँ बैठ गए, यहाँ बैठ गए थे। अजान यहाँ पर होती है, देखिए देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है या हर अलक्सा मस्जिद की याद ताज़ा हो गई है ब्लू मॉस देखकर। ऐसा ही खूबसूरत और दीदा जेब नक्शो निगार हैं, डोम ऑफ द रॉक पर बने हुए हैं, और हम अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ भी जा चुके हैं, और आज यहाँ भी आना जो है वो हो गया। और इंशाल्लाह ताला अब उम्मीद है कि अल्लाह ने हमें अपने घर की ज़्यारत नसीब फरमाए। आमीन। आज़ादी जितनी मर्जी है यहाँ पर, लेकिन जब मस्जिद में आना है तो सबको उन्होंने दुपट्टे पहना दिए, जिनकी टांगें नंगी थी उनको भी उन्होंने स्कर्ट ही दे दी कि ये पहनो। ये बाहर एरिया भी मस्जिद का ही है, तो यहाँ पर भी जब छाँव होगी तो यहाँ पर लोग फिरते ही होंगे, लेकिन इस वक्त गर्मी है। मैं ज़रा घूम कर आऊँगी, मैं उधर से आ रही हूँ। ये सारे टूरिस्ट गर्मी चूँकि काफ़ी ज़्यादा थी, तो यहाँ पर इस तरह फ्रेश फ्रूट के जो हैं जगह जगह स्टॉल या शॉप थी, लेकिन फ्रूट जो है ना यहाँ का मुझे खट्टा लगा है। स्पेशली ये जो अनार का जूस है ये तो अच्छा खासा खट्टा है, और गर्मी की वजह से ज़ाहिर फल है तो वो कौन सी आइस उसमें डाली थी तो वो ठंडा भी नहीं था। तो जब हम यरूशलम गए थे तो हमारे होटल के पास एक शॉप थी, तो वहाँ से हम बहुत ज़्यादा अनार का जूस पीते थे, वो इतना मीठा होता था। यहाँ से और भी फल लिए जो एप्रिकोट थी और जैसे पीच थे, तो खट्टे थे, देखने में बड़े सही हैं, बड़े खुशबूदार थे, लेकिन शायद गर्मी की वजह से। एक सारे ले ला।
पहले जब उसने प्लेट रखी ना ये डिज़र्ट की, तो उसने इतना ज़्यादा इसको शेक किया, हमें लगा वो गिरने लगा है, तो वो शायद उनका कोई ट्रिक था, वो इसी तरह करते थे। तो जब दोबारा उसने किया तो हमें कहा वो हमें पता लग गया है अब ये गिरेगा नहीं। तो ये वाला केक बहुत ही ज़बरदस्त था। अब कुछ एक चीज़ें हम ट्राई करते थे, फिर जो चीज़ हमें उसमें से ज़्यादा अच्छी लगती थी वही बार बार खाते थे। तो ये केक तो बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। और ये डिज़र्ट है, स्ट्रॉबेरी डिज़र्ट है, बहुत ही अच्छा था ये वाला भी। ये हमने YouTube पर देखी थी, तो यहाँ पर हम आए हैं और इनका खाना बहुत ज़्यादा अच्छा है, स्वीट है एक तरह से ना, ये देखें बहुत ही अच्छा है इनका स्वीट डिज़र्ट, इनकी पेस्ट्री बहुत अच्छी है, इनके डिज़र्ट बहुत अच्छे हैं और इनके केक बहुत ही ज़्यादा काफ़ी मुस्तफ़ा के नाम से ये स्वीट शॉप है और बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त है। और ये शॉप है यहाँ पर हमारा जो आज का टूर था वो ऑलमोस्ट हो गया है और बच्चे भी बहुत ज़्यादा थक गए हैं, तो यहाँ से बस भी जाती है लेकिन हमने टैक्सी में ही जाएंगे और हमें नहीं पता टैक्सी मंगवानी कैसे है। तो जो होटल है हमारा जहाँ पे हमने स्टे किया है उन्हीं को हमने फ़ोन किया है तो कि हम यहाँ खड़े हैं। ये जो शॉप है जो मैंने अभी आपको दिखाई है कहाँ पर है, ये जो शॉप है हाफिज़ मुस्तफ़ा, ये काफ़ी फेमस शॉप है। तो यहाँ पर हमने बताया है कि हम यहाँ पर खड़े हैं तो वो अभी हमें यहाँ से पिक करने आएंगे। और ट्राम जो है यहाँ पर हर तरफ सड़कों में ट्राम ही ट्राम फिरती है, अगर इस सिटी से टूरिस्ट निकाल दिए जाए तो मुझे लगता है ये शहर खाली हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा यहाँ पर, इतने ज़्यादा टूरिज्म है यहाँ पर और सारे के सारे टूरिस्ट निकले हुए हैं क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है और इस वक्त जो है टूरिस्ट ही निकले हुए हैं बाहर। थैंक यू ब्रदर। अभी हम दोबारा वहाँ जा रहे हैं यहाँ पर ना, अभी शाम के 6:30 हुए हैं, 4 बजे हम वापिस आ गए थे और इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना, फिर हमने थोड़ी देर आराम किया और मैं तो सो गई थी, तो अभी दोबारा उठे हैं फ्रेश हुए हैं, बिल्कुल पाकिस्तानी गलियाँ लग रही हैं कि इसी तरह से यहाँ व्हीकल्स जो है ना ये देखिए इतनी इतनी तंग तंग गली दूरों ही देखें हूँ देखिए तमाशे। अभी ये आइसक्रीम के पास आ गए हम, अब देखते हैं चलो। हाँ चलो दुआ के साथ आप देखें, रुक जाओ क्या होगा।
जी हाँ, हम तकरीबन हर चीज़ की प्राइस चेक करते थे कि ये कितने की, पाउंड में ये कितने की है और इसकी क्वालिटी क्या है। ये बिस्किट तो कमाल के हैं। ये न्यू टाउन सिटी सेंटर है और यहाँ पर हर किस्म का फूड है, चाहे गर्मी है, ठंडा है, सर्दी तो खैर नहीं थी, लेकिन हर तरह की कॉफ़ी, टी, बेकरी, हर चीज़ यहाँ पर थी। फिर हम इसके आसपास जितनी भी गलियाँ थी, हमने वॉकिंग टूर किया सारा ही। तो यहाँ गली पर, किसी गली में हमें ये विंडो में कैट बैठी नज़र आई, तो दुआ ने कहा बस जो खाना पीना है अब यहीं बैठकर खाना है। फिर काफ़ी देर हम यहाँ बैठे, यहाँ की कॉफ़ी बहुत ही अच्छी थी और यहाँ की कुछ हमने ये जो डिज़र्ट हैं ये हमने ट्राई किए। थिक क्रीम है, डबल क्रीम चीज़ नहीं है, लेकिन ये जो मलाई सी होती है ये वो चीज़ है। ये कॉफी फ्लेवर है, चॉकलेट फ्लेवर है, रिच बहुत ज्यादा है। ये एक इंसान एक कप भी पूरा खा। देखते देखते वहाँ से हमने टर्न दिया, उधर आ गए और हमने आना नहीं था, लेकिन ये चीज़ें हमारे मुकद्दर में थी। ये जो है ना, ये हमारी किस्मत का था, तो हमें भी यहाँ पर लेकर आए। कौन कैच करेगा मिनी बता एक गेंदा से लाख में भी 200-300 पाउंड का होगा। 100 तो नहीं, कितने 200-300-400 कि कोई भी चीज़ है, हम उसकी प्राइस जो है देखो ऐसी ला के रखे हुए, हमने ना हम उसको पाउंड्स में कलेक्ट कर रहे हैं। तो वो जो बैग था ना, ये वाला बैग, दिस वन बैग, ये 31 पाउंड का है। 20 पाउंड का होता तो ठीक था, 31 पाउंड का महंगा है। 24 का है, हैं 24 का ये नहीं आ कितने का ये 425 था बेसिकली, 25 था। चल उन बंद कर, चल दे दो। इफ शी इज नॉट गोना बाय, एट लीस्ट होल्ड इट एंड गेट द खुशी पूरी। व्हाट द खुशी, कितने दे है गो 25 था लेना है। मैनू नहीं पसंद लगे, कलर नहीं पसंद लगे, एस्थेटिक लाइक ग्रीन, हां ग्रीन ब्लू। ये मैंगो शॉप है और मुझे लगा इनकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा होगी, रिजनेबल प्राइस थी। जैसे यहाँ पर अगर आप डेबनम चले जाएं, नेक्स्ट चले जाएं, तो वैसी ही प्राइस थी। लहसुन भी मेरी थी, जो लेना मेरी थी पर आई आती है ऊपर मैन जी, ऊपर मैन दे आ जाए आप वुमेन नहीं आएंगे। आप 40 लीरा एक पाउंड है। ईमान की जान को चैन नहीं है जब तक यहाँ पर आ भी आ किन्ने आ मैं लगता 3 पाउंड होने हैं, 3 हाँ 3 या 4 पाउंड दिया मेरा सिर खोले ट्रांस लेकर मेरी ईमान ने बर्गर खाए थे तो वहाँ से काफ़ी अच्छे बर्गर थे, ईमान को काफ़ी पसंद आए, तो हमने कहा आज फिर हम बर्गर ही खाते हैं। तो टेंग में बर्गर ले लिए हैं हम। काफ़ी लंबा वॉकिंग टूर करने के बाद ये बर्गर लिए हमने, यासीन बर्गर थे। तो ये बस थोड़ा सा ही खाया मैंने और ये फिर हमने यहाँ होटल में लाकर ही खाए। जो कल कपड़े पहनने हैं वो निकाल के रख लिए हैं,
और जो आज के कपड़े हैं और जो कपड़े हम दोबारा नहीं पहनेंगे वो यहाँ पर तह लगा के मैं रखती जा रही हूँ कि वो समेटे ही जाएं। और यहाँ पर खलारा जो है वो इसी तरह पड़ा हुआ है। अलमारी है लेकिन अलमारी में ना कोई हैंगर सा नहीं है इतना, तो फ़ायदा नहीं है कपड़े हैंग करने का। पता नहीं, हैंगर होते तो हम लटका ही देते। तो आज का दिन जो है वो बड़ा ही अच्छा गुजर गया है। ये सोफ़ा कम बेड है तो यहीं पर सो गए थे। ये जो कमरा है ये डबल बेड है, सिंगल दो बेड है इसमें, लेकिन इसमें ना एसी कोई नहीं है तो यहाँ पर सो नहीं सकते अगर यहाँ पर एसी नहीं होगा ना, क्योंकि जहाँ पर एसी है वहाँ पर तो सो सकते हैं। कमरे का साइज तो अच्छा है, दो बेड हैं, बड़ी अच्छी नींद आ सकती है। ये यहाँ की कोला है बहुत ही अच्छी है और ये शतूत है, बड़े ही मज़ेदार शतूत हैं। अंगूर हैं ये भी बहुत ज़्यादा मीठे हैं माशाल्लाह। ये इतने सारे अंगूर हैं और आई थिंक ये एक पौंड के होंगे ना, ये एक पौंड के सारे अंगूर हैं। ये सूट के सामने यहीं पर रखा हुआ है, यहीं से मैंने कपड़े निकाल लिए हैं। तो डे टू यहाँ पर होता है ख़त्म। अच्छा लगा है व्लॉग तो थम्स अप बटन लाजमी प्रेस किया करें। अल्लाह हाफिज़।